नमस्कार दोस्तों, हमारा जीवन कंफर्ट जोन में लगातार चलता रहता है और हम अपनी सारी अच्छी बुरी आदतों के साथ अपने जीवन को एक रूटीन में जीते जाते हैं। जब तक हमें एक टर्निंग पॉइंट नहीं मिलता या जीवन में कोई एक घटना नहीं घट जाती और ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आने के बाद हम अपनी आदतें बदलने में लग जाते हैं, कुछ और नया करने में लग जाते हैं, जीवन को और अधिक डेवलप करने में लग जाते हैं। जब एक स्मोकर देखता है कि उसके घर में कैंसर से एक डेथ हुई है तो वह तुरंत स्मोकिंग छोड़ने का निर्णय लेता है। जब एक बच्चे को पता चलता है कि उसकी एग्ज़ाम की डेट्स फाइनल हो गई हैं तब वो अपनी पढ़ाई में और ज़्यादा तेज़ी से जुट जाता है। अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से COVID-19 फैला हुआ है तो हम सभी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हमें लगातार आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती रहे, एक टर्निंग पॉइंट का काम करे, या एक पॉजिटिव हर्ट, एक सकारात्मक छोट का काम करें जिससे हम अपने जीवन में और अधिक प्रगति करने के लिए अग्रसर हों? दोस्तों, बुक्स, किताबें हमारे जीवन में ऐसी ही प्रेरणा देती हैं जो हमारे जीवन को एक टर्निंग पॉइंट की तरफ लेकर जाता है। चाहे ऐसे हम अपनी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जब हम एक बुक पढ़ते हैं तो उससे इंस्पायर होते हैं और हम हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप को और ज़्यादा अच्छा बनाने में जुट जाते हैं, उस पर और ज़्यादा काम करने लगते हैं। आज वर्ल्ड बुक डे है और मैं आप सबको इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जब मैंने बुक राइटिंग कोचिंग और पब्लिशिंग का काम शुरू किया तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आजकल तो वीडियोस का ज़माना है, लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि बुक्स ज़्यादा चल पाएंगी या ये काम लोग ज़्यादा पसंद करेंगे? दोस्तों, एक बड़ी से बड़ी कोई मूवी हो या एक छोटे से छोटा कोई वीडियो हो, चाहे वो टिकटॉक का कोई वीडियो हो, यूट्यूब में कोई वीडियो हो या इंस्टाग्राम की रील्स हो, एक वीडियो बनाने के लिए भी सबसे पहले स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है और वो स्क्रिप्ट लिखी जाती है और उसके बाद ही उस पर काम होता है। अगर मैं बात करूँ मशहूर फिल्मों की तो वो मशहूर फिल्में भी बुक्स से ही इंस्पायर्ड हुई हैं या बुक्स के बेस पे ही बनी हैं। जेम्स बॉन्ड और शर्लक होम्स जैसे कैरेक्टर जिन्हें लोग एक रियल पर्सन मानते हैं, वो केवल एक उपन्यास के पात्र हैं जो इतने प्रसिद्ध हो गए कि लोग उन्हें एक रियल पर्सनैलिटी मानते हैं। हैरी पॉटर, शिंडलर लिस्ट, ये हॉलीवुड की वो मूवीज़ हैं जो बुक्स पे ही बेस्ड हैं। हमारे देश में आपने देवदास, थ्री इडियट्स और गाइड जैसी फिल्मों का नाम तो सुना ही होगा, ये मूवीज़ भी बुक्स पे ही बेस्ड हैं। तो आज के दिन मेरे मन में ये ख्याल आया कि हम बात करें बुक से होने वाले फ़ायदों की, जो कि वीडियोस में पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग काम करता है, हमारे मन को नई नई इमेजिनेशन मिलती है, हम वर्ड्स पढ़ते जाते हैं और हमारा दिमाग उनकी पिक्चर्स बनाते जाता है और इस तरह से ब्रेन की एक्सरसाइज होती है और हमारी कल्पनाएँ भी और ज़्यादा बड़ी होते जाती हैं, न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाता है। लेकिन जब हम एक वीडियो देखते हैं, सारी चीज़ें हमारे सामने ही होती हैं, पिक्चर्स, वॉइस, टोन, और हमारा दिमाग सिर्फ देखने सुनने के अलावा और कोई काम नहीं करता। तो जहाँ पर अपनी कल्पना शक्ति को आपको बढ़ाना है, जहाँ पर दिमाग को और मजबूत करना है, वहाँ पर बेहतर है कि बुक्स पढ़ी जाए बजाय किसी सब्जेक्ट पे वीडियो देखने के। जब हम एक बुक पढ़ते हैं तो हमारा शब्द भंडार, वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है
उसमें नए नए शब्द लगातार जमा होते जाते हैं और हम उनका प्रयोग अपनी दिनचर्या में करने लगते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा की पुस्तकें हों। वीडियोस में आमतौर पर ऐसा नहीं होता, वीडियोस में हम कोई शब्द सुनते हैं तो वो हम अपने जीवन में उतनी बहुतायत से इस्तेमाल नहीं करते। वीडियोस में सुने हुए शब्द हमारी वोकेबलरी को उतना स्ट्रांग नहीं कर पाते जितना बुक्स में पढ़े हुए शब्द। जब हम एक बुक पढ़ते हैं तो हमारी एनालिटिकल एबिलिटी भी बहुत बढ़ती है, हमारी विश्लेषण करने की क्षमता, हमारी डिसीजन लेने की क्षमता, हमारे दिमाग के सोचने की क्षमता, इन सभी पे बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति रेगुलरली बुक्स पढ़ता है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है, वो अलग अलग कामों पे ज़्यादा फोकस कर पाता है। बुक पढ़ने के साथ साथ हमारी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी होती है, हम ज़्यादा अच्छा लिख पाते हैं। जनरली देखा गया है कि जो वीडियोस अवेलेबल हैं, चाहे वो यूट्यूब पे अवेलेबल हों या किसी और प्लेटफॉर्म में, एक स्ट्रक्चर्ड नॉलेज का उसमें अभाव होता है। लेकिन जब आप किसी बुक को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें जो भी जानकारी दी हुई है, जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक सही ऑर्गेनाइजेशन में दी हुई है। किताबें पढ़ने से हमें एक दूसरे व्यक्ति जो कि राइटर है उसके पर्सपेक्टिव, उसके दृष्टिकोण का पता चलता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आज के दिन मैं आपसे करना चाहता था। उम्मीद है आपको ज़रूर लाभ मिला होगा और बुक्स पढ़ने के लिए और ज़्यादा आप इंटरेस्ट लेंगे। पढ़ने में, लिखने में आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरी वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं और मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं। मैं हमेशा रीडिंग और राइटिंग में जो भी बैरियर आपको आते हैं उनको सुलझाने में लगा हुआ हूँ। धन्यवाद।